1984 सिख कतलेआम की वजह नाल दिल्ली विच बनी पहली विधवा कलोनी विच अज भी 1984 सिख कतलेआम के पीड़ित इंसाफ की उड़ीक कर रहे हैं। तो पीड़ितों की नुमाइंदगी करने वाली दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान आत्मा सिंह लुबाणा विधवा कलोनी विच पहुंचे। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि 1984 तो बाद कई सरकार आईया तो कई गई पर किसी ने भी पीड़ितों की बाह नहीं फड़ी। उन्होंने कहा कि 1984 सिख कतलेआम के दोषियों सजावं दवाउण लई केंद्र सरकार नूं वधिया वकीलों का पैनल बना के मामले की कानूनी चाराजोई करनी चाहिए है। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हमारे जो भी सरकार आती हैं, हमने दो क्षेत्र में काम किया, जस्टिस के लिए भी और हमने रिहैबिलिटेशन के लिए भी। अब मैं रिहैबिलिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे को मैंने अभी मोदी जी को पत्र लिखा है और अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मैंने लालपुरा जी को लिखा है और एलजी को लिखा है और अरविंद केजरीवाल को लिखा है। उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और आप को सबसे पहले मेरी जो मांग थी कि 1984 के इसको सिख विरोधी दंगा कहते हो, ये दंगा नहीं है, ये सिखों का नरसंहार है। इसको नरसंहार डिक्लेयर करना चाहिए मोदी जी को और पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट का मौन धारण करके इनको जितने भी 1984 में लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। नंबर 2 मैं ये चाहता हूँ और सारी सिख कौम चाहती है कि भारत सरकार ये जितने भी केसेस चल रहे हैं ये सीबीआई वर्सेज सज्जन कुमार है, सीबीआई वर्सेज टाइटलर है, तो सरकार को चाहिए कि क्रिमिनल लॉयरों का 3 आदमियों का पैनल हमारे को वकीलों का बना दें और जो सीनियर एडवोकेट है क्रिमिनल लॉयर वो उस कोर्ट में अपीयर हों, क्योंकि छोटा मोटा वकील वहाँ पे उसकी पार नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस के जो ये हमारे जो दोषी हैं टाइटलर और सज्जन कुमार, ये बहुत बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उनके आगे हमारे वकीलों की गिनती बोना साबित होती है और वो सही ढंग से उसको केस को उठा नहीं पाते।